उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। लेकिन आज हम आपको 15 साल पहले का वो किस्सा बताएंगे जिसने योगी आदित्यनाथ की जिंदगी को बदल कर रख दिया था। आज हम योगी आदित्यनाथ के उन आंसुओं की बात करेंगे जिन्हें पूरी दुनिया ने देखा। सर मुझे योगी ने उसी दिन ठान लिया था कि वो इन आंसुओं का बदला लेंगे। सीएम योगी भले ही अपने कड़े बयानों और तीखे तेवरों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका ये चेहरा देख पूरा देश हैरान था। योगी आदित्यनाथ संसद में फूट फूट कर रोए थे, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। योगी जी, we all respect you. लेकिन सवाल ये है कि योगी रोए क्यों थे? आपको बता दें कि साल 2007 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने योगी आदित्यनाथ को जेल भेज दिया था और उसके बाद लोकसभा में अपनी बात कहते कहते योगी रोने लगे थे। लेकिन वो दौर कुछ और था, अब उत्तर प्रदेश में वक्त बदल चुका है। अब उत्तर प्रदेश में योगी छाए हुए हैं। सीएम योगी का खौफ इतना है कि माफिया उनके नाम से कांपते हैं, छोटे मोटे अपराधी तो खुद ही सरेंडर कर देते हैं। योगी पूरी तरह से बदल गए हैं। लेकिन आपको 15 साल पहले का सीएम योगी का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। सर मुझे योगी जी, we all respect you, please, you feel we shall certainly look into it. तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। वादा, पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। छोड़िए, मैंने कोई महत्व तो नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर ISI और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा, मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store. डाउनलोड इट नाउ।